हेलो एवरीवन, हिमाचल जीके के 20वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जिला चंबा। चंबा जिले से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक जो हम लेक्चर लगाते हैं उसको कंप्लीट देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा मॉक टेस्ट का, तो आप मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगा के जाएँ, ठीक है? जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि जो अभी आपने लेक्चर देखा है वो आपको कितना याद हुआ है, ठीक है? हमारे हर एक लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? राजा मारुवर्मन ने की थी। कब की थी? 550 ईस्वी में, ठीक है? तो जब चंबा रियासत की स्थापना की थी राजा मारुवर्मन ने, तो उस समय इसकी राजधानी ब्रह्मपुरा बनाई थी, ठीक है? अब यहाँ पे नोट क्या लिखा गया है, चंबा रियासत की राजधानी ब्रह्मपुरा से चंबा कौन ले गया था? तो कौन ले गया था? साहिल बर्मन ले गया था। तो कैसे ले गया था हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, किस राजा ने सर्वप्रथम ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? आदित्य वर्मन ने। अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे बर्मन तो मारू के साथ भी लगा हुआ है, लेकिन असलियत में मारू के साथ बर्मन नहीं है, ठीक है? लेकिन एग्ज़ाम में आपको कई बार देखने को मिल जाता है कि राजा मारू बर्मन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बर्मन लगाया है, लेकिन असलियत में जो बर्मन की उपाधि है वो आदित्य वर्मन ने सर्वप्रथम उपयोग की थी, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। आदित्य वर्मन 620 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? साहिल वर्मन ने। कब की थी? 920 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखो कि जैसे ही साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की, तो इससे पहले जो चंबा रियासत थी उसकी राजधानी क्या थी? ब्रह्मपुरा थी। तो इसने क्या किया कि जो ब्रह्मपुरा राजधानी थी इसको वो अपने शहर जो कि इसने बनाया था वहाँ पे ले गया। तो यहाँ पे क्या है, राजधानी ये ब्रह्मपुरा से चंबा ले आया था, ठीक है? नेक्स्ट इसमें नोट क्या लिखा गया है कि साहिल बर्मन की बीवी नैना देवी की याद में सूही मेला हर वर्ष लगता है जिसमें सिर्फ औरतें व बच्चे भाग लेते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इनमें से ऐसा कौन सा मेला है इसमें सिर्फ औरतें व बच्चे भाग ले सकती हैं, ठीक है? तो आपको याद रखना है सूही मेला। नेक्स्ट चलते हैं, चंबा शहर का नाम साहिल बर्मन की पुत्री चंपावती के नाम से रखा गया था, ठीक है? तो किसके नाम से? चंपावती के नाम से। तो ये चंपावती कौन थी? साहिल बर्मन की पुत्री थी, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी धार चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच सीमा बनाती है? तो कौन सी धार? दगानी धार। धार हम बोलते हैं पर्वत श्रृंखला को, ठीक है? तो आपको ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का मुख्य विस्तार चंबा जिले में है। तो मैंने आपको पांच धाराओं के बारे में बताया था, ठीक है? एक बार आप फिर से देख लीजिए। जैसे ये हमारा आ गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है? तो यहाँ पे ये शैवालिक श्रेणी है, यहाँ पे ये आ गई हमारी धौलाधार, और ये आ गई पीर पंजाल, ठीक है? इसके बाद ये आ गई आपकी वृद्ध हिमालय, और यहाँ पे ये आ गई आपकी जास्कर। जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित श्रृंखला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस श्रृंखला पे जो पहाड़ आपको मिलेंगे उनकी ऊंचाई सर्वाधिक रहेगी, ठीक है? तो ये यहाँ पे बता रहा है कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का मुख्य विस्तार चंबा में है। तो यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका चंबा है, ठीक है? तो ये बता रहा है कि जो पीर पंजाल है उसका जो मुख्य विस्तार है वो चंबा ज़िले में है, ठीक है? और अगर हम बात करें हमीरपुर ज़िले की, तो हमीरपुर ज़िले का विस्तार कहाँ पे है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला में, ठीक है? और अगर हम बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा की कहाँ पे है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला में, ठीक है? तो वैसे ही किन्नौर की कहाँ पे है? जास्कर पर्वत श्रेणी में, ठीक है? तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें नोट क्या है कि चंबा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पीर पंजाल है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, किस राजा ने सर्वप्रथम सिंह उपाधि का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? गणेश वर्मन ने। इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहले भरमन उपाधि का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? आदित्य वर्मन ने। तो फिर सिंह उपाधि का प्रयोग किसने किया था? गणेश वर्मन ने। तो आपको ये याद रखना है, ठीक? कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट चलते हैं, चंबा शहर में पानी की पूर्ति के लिए नैना देवी ने बलिदान दिया था। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि चंबा शहर में पानी की आपूर्ति के लिए किसने अपना बलिदान दिया था? तो किसने दिया था? नैना देवी ने, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, चंबा रियासत का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह था। तो देखो यहाँ पे आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। तो सबसे पहले वर्मन उपाधि किसने धारण की थी? आदित्य वर्मन ने, ठीक है? उसके बाद सिंह उपाधि किसने धारण की थी?
किसने की थी धारण? गणेश वर्मा ने। ठीक है, आप क्या करते हो कि लक्ष्मण सिंह लगा देते हो, ठीक है, लेकिन नहीं, जो लक्ष्मण सिंह था ये चंबा का लास्ट राजा था, अंतिम राजा कौन था? लक्ष्मण। ठीक है, एल से आप याद रख सकते हो, एल मीन लास्ट और एल मीन लक्ष्मण। नेक्स्ट चलते हैं, किसने साहिल बर्मन को 10 पुत्रों व एक पुत्री का वरदान दिया था? तो किसने दिया था? योगी चरपटनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में ये काफी पूछा जाता है कि चकली क्या है, तो ये क्या है? एक चंबा रियासत का प्रसिद्ध सिक्का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाथीदार कहाँ पे स्थित है? तो हाथीदार आपका चंबा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लॉर्ड कर्जन पहली बार चंबा कब आए? तो कब आए? 1900 ईस्वी में। और जो लॉर्ड मेयो थे ये 1871 ईस्वी में पहली बार चंबा में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, छतराड़ी स्थित जो शक्ति देवी मंदिर है और लक्षणा देवी मंदिर, इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था? मेरु वर्मन ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, चंबा रियासत के किस राजा ने औरंगजेब के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो किसने किया था? चतर सिंह ने। नेक्स्ट चलते हैं, नवाला त्यौहार किस जनजाति का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो किसका है? गद्दी जनजाति का। आपको पता ही है चंबा जिले में काफी ज्यादा लोग गद्दी जनजाति से संबंध रखते हैं, तो गद्दी जनजाति जो है वो नवाला त्यौहार को मनाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो इसका नोट है कि इस त्यौहार में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। देखो भाई, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो नवाला त्यौहार है इस त्यौहार में किस भगवान की या किस देवता की पूजा की जाती है? तो किसकी की जाती है भाई? भगवान शिव जी की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मिंजर मेला। तो मैंने आपको बताया था कि मिंजर मेला कहाँ का प्रसिद्ध मेला है? तो चंबा का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि भाई मिंजर मेला कहाँ का प्रसिद्ध मेला है, तो कहाँ का है? चंबा का है। ठीक है, तो मिंजर मेला चंबा के किस मैदान पर लगता है? तो चौगान मैदान पर लगता है। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि मिंजर मेला किस महीने में लगता है, तो किस महीने में लगता है? अगस्त महीने में लगता है। इसमें एक नोट है, मिंजर मेला साहिल बर्मन द्वारा शुरू किया गया था, इसमें चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की जाती है। ठीक है, तो मिंजर मेला किसने शुरू करवाया था? साहिल बर्मन ने। ठीक है, साहिल बर्मन कौन था? जिसने चंबा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर 6 मंदिरों का समूह है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, चंबा के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाई है मेले के ऊपर। तो चंबे के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं? मिंजर मेला, मणिमहेश मेला, ठीक है, सूही मेला, फूल यात्रा, नवाला त्यौहार, छतराड़ी मेला। ठीक है, तो ये सारे चंबा के प्रसिद्ध मेले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, झांझर क्या है? तो झांझर चंबा जिले का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, मैंने आपको पढ़ाया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लोकगीत। तो चंबा जिले के लोकगीत कौन कौन से हैं? कुंजू और चंचलो, रंजू फुलमू, भुक्कू गद्दी, सुनहरी गीत और लच्छी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भटियाती, चुराही और पंगवाली, ये 3 भाषाएं आपको याद रखनी है। इन तीनों भाषाओं का संबंध चंबा जिले से है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों भाषाएं चंबा जिले में बोली जाती है। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, चंबा जिले की साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम पढ़े लिखे लोग आपको चंबा जिले में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये 2011 के अनुसार है, लेकिन अब 2021 में दोबारा से जनगणना होगी तो फिर से साक्षरता दर की लिस्ट बनी जाएगी। तो आई होप चंबा जिले में अब काफ़ी सुधार हुआ होगा और होना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चंबा जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST, ठीक है, जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि ST जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक है? तो किस जिले में सर्वाधिक है भाई? चंबा जिले में सर्वाधिक है। ठीक है, और साथ ही साथ जो मुस्लिम जनसंख्या है ये भी चंबा जिले में सर्वाधिक है। कौन कौन सी सर्वाधिक है? ST जनसंख्या और मुस्लिम जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सेन नृत्य जो एक धार्मिक लोक नृत्य है ये भी चंबा जिले से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की रुमाल कला विश्व प्रसिद्ध है? भाई क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि जो रुमाल कला है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले की प्रसिद्ध कला है, तो ये आपको बताना है। तो किस जिले की है? चंबा जिले की है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में बनाच्छादित क्षेत्रफल किस जिले में सर्वाधिक है? तो चंबा में। यहाँ पे नोट क्या है, हिमाचल में बनाच्छादित क्षेत्रफल किस जिले में सबसे कम है? तो लाहौल स्पीति में। देखो यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है, मैक्सिमम जो बच्चे हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में ये जो है ये बैठता नहीं है। ठीक है, उनके दिमाग में क्या कन्फ्यूजन है? देखो, सबसे अधिक वन
कहाँ पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, मतलब किस जिले में पाए जाते हैं, तो वो किस जिले में पाए जाते हैं, लाहौल स्पीति में। अगर हम बात करें सबसे कम वन किस जिले में पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो हमीरपुर जिले में। ठीक है, अगर हम बात करें वनाच्छादित क्षेत्रफल, मतलब कि वनाच्छादित क्षेत्रफल किस जिले में सर्वाधिक है, तो चंबा में। अगर हम बात करें वनाच्छादित क्षेत्रफल किस जिले में सबसे कम है, तो लाहौल स्पीति में। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सबसे ज़्यादा वन भी लाहौल स्पीति में पाए जाते हैं और सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्रफल भी लाहौल स्पीति में है, ये है क्या? तो आज मैं आपकी ये जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल साफ़ कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वनाच्छादित क्षेत्रफल हम किसको बोलते हैं, ये किस टाइप के वन होते हैं। तो ये उस टाइप के वन होते हैं जहाँ पे एक जो पेड़ है वो दूसरे पेड़ के एकदम साथ में ही होगा, मतलब घने जंगल, घने जंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये कितना घना जंगल है कि इसमें जो धूप की रोशनी है वो भी इसके अंदर ना पहुँच पाए। ठीक है, तो ऐसे जो वन है उसको हम बोलते हैं वनाच्छादित वन। ठीक है, तो ऐसे वनों का क्षेत्रफल किस जिले में सर्वाधिक है, तो किस जिले में, मैंने आपको बताया चंबा जिले में। और ऐसे वनों का क्षेत्रफल किस जिले में सबसे कम है, तो किस जिले में है, लाहौल स्पीति में। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ठीक है, हम वनाच्छादित की बात नहीं कर रहे, हमको नहीं पता कि भाई वो वन घने हैं या कैसे हैं, हमको सिर्फ क्षेत्रफल से मतलब है। तो किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो वो किस जिले में पाए जाते हैं, लाहौल स्पीति में। ठीक है, और सबसे कम वन किस जिले में पाए जाते हैं, आपके हमीरपुर में। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पे देखो, हिमाचल प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्रफल किस जिले में सर्वाधिक है, तो चंबा में। कितना वर्ग किलोमीटर है, 2436 वर्ग किलोमीटर, मतलब 2436 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्रफल किस जिले में सबसे कम है, तो किस जिले में है, लाहौल स्पीति में। कितना है, 193 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्रफल, सबसे कम वन क्षेत्रफल किस जिले में है, हमीरपुर जिले में। तो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, जब हमने हमीरपुर जिले को कवर किया था, कितना है, 219 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस जिले के हैं, तो लाहौल स्पीति। तो यहाँ पर आप क्षेत्रफल देख सकते हैं कितना है, 10,138 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कहीं पे आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्तसर तारीख ए रियासत चंबा, ये जो किताब है ये किसने लिखी थी, गरीब खान ने। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, नोट रखो। ठीक है, तो किसने की थी, मुख्तसर तारीख ए रियासत चंबा किताब के लेखक कौन थे, गरीब खान थे। ठीक है, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं चंबा के, मैंने आपको पहले भी बताया, 84 मंदिर, मणिमहेश मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, शक्ति देवी, हरिराय मंदिर, वंशी गोपाल मंदिर। यहाँ पे नोट क्या है, भरमौर का लक्षणा देवी मंदिर और छतराड़ी का शक्ति देवी मंदिर का निर्माण बंद शत शैली के अनुसार किया गया है। ठीक है, तो लक्षणा देवी मंदिर और शक्ति देवी मंदिर दोनों का निर्माण बंद शत शैली के अनुसार किया गया है। ठीक है, तो बंद शत शैली हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीनतम शैली है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, तो कौन कौन सी है, हडसर परियोजना 60 मेगावाट रावी नदी चंबा में स्थित है, हिबरा परियोजना 260 मेगावाट रावी नदी पे बनी है चंबा पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सेली परियोजना, ठीक है, 454 मेगावाट चिनाब नदी पर बनी है और चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, चंबा घाटी को राबी घाटी और दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, दूध और शहद की घाटी के नाम से किस घाटी को जाना जाता है, तो किस घाटी को जाना जाता है, चंबा घाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्का क्या है, तो निक्का एक चंबा रियासत का प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नरसिंह टिब्बा, गोरी देवी का टिब्बा, बड़ा खड़ा नामक चोटियाँ जो है ये चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, काला टोप वन्य जीव अभयारण्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, काला टोप वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, खजियार चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये जो आपका सेचुतुआ नाला है ये भी आपका चंबा जिले में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सांच दर्रा, जो सांच दर्रा है ये चंबा और पांगी को जोड़ता है, मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी दर्रे के ऊपर, तो वहाँ पे आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वसोधन दर्रा,
तो जो वसोदन दर्रा है ये चंबा और भटियात को जोड़ता है। ये जो भटियात है ये भी एक चंबा ज़िले की ही तहसील है, ठीक है। तो ये चंबा और भटियात को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, वसोदन दर्रा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चंबा की झीलें। तो ये आपने पहले भी पढ़ी होंगी, गढ़ासुरु, खजियार, लामा, महाकाली, मणिमहेश, चमेरा, चंद्रगुप्ताल। तो हाँ, आपको इस तरह से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ नोट क्या है, लामा झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। तो 7 झीलों का समूह किस झील को कहा जाता है, तो किस झील को कहा जाता है, लामा झील को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंबा की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, लामा झील। आपके लिए क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, ठीक है, कमेंट करके सभी बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड खजियार को कहा जाता है। क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, खजियार को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अजीत सिंह मेमोरियल, अजीत सिंह जो मेमोरियल है वो पंचपोला डलहौजी में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, किलाड़ किसका मुख्यालय है, तो पांगी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किलाड़ किसका मुख्यालय है, तो पांगी का मुख्यालय है। नेक्स्ट चलते हैं, बकलो सैनिक छावनी, आपने कई बार सुना होगा बकलो कैंट, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, आपका चंबा में है। नेक्स्ट चलते हैं, भोरे सिंह संग्रहालय कहाँ पे है, चंबा में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भोरे सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में है, चंबा जिले में। इसमें नोट क्या है, भोरे सिंह को अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। अब क्यों दी गई थी, क्योंकि इसने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना चंबा जिले में राजा भोरे सिंह द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा के मिंजर मेले में किसकी पूजा की जाती है, तो किसकी पूजा की जाती है भाई, वरुण देव की पूजा की जाती है। तो यहीं तक आज का लेक्चर था। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप एक लाइक करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में एक बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि जैसे ही मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन झट से पहुँच पाए। फेसबुक पे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/gradeupstudy पे। इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए instagram.com/gradeupstudy ऑफिशियल पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे हम काफ़ी सारे जो है MCQ टाइप क्वेश्चन डालते रहते हैं। हमारी हर एक लेक्चर की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक है t.me/gradeupstudy। इन तीनों का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके हमको फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।